अंधार राति घन घन बिजुली घड़घड़ीर शब्दरे आकाश फाटी पड़ुछि। पवनर सुसु गर्जनरे देह सीते उठुछि। गाँ से समुंड चाळगरु आवाज आसुछि, चम 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 चम। गाँटा निशब्द, माँ ता छुआटा आखिरे निद नथिले भी माँ कानी तले मुह जाकि देउछि। बाहर आसीथिबा स्वामी थर थर गळारे कहुछि, पानी मुंदे दियो गो। मु आसिला बेलकु मो साइकिल आगेरे जब्बर खपुरीटे पड़िला। पानी गिलास बढ़े दिए दू। स्त्री ता स्वामी उपरकु छेप नंदे पकाई कहुछि, से डाहनी परा सेठी उत्पात होउछि, तमे सेपटे काहीकि आसुथिल। माँ तार लंका धुआं सह झाड़ूरे झाड़ी पकाइला पुओकु, काले पुओटाकु डाहाणी सुसि देइथिबो। आहुरी माँ कहुछि, बाबूला पुओटाकु परा डाहाणी सुसि देइछि जे झाड़ा बांती होई कंटा होई गलाणी। ई केते दिन हैला गाँटा डाहाणीर कुकुआ भयरे काकुस्त। सेही समय रे बोउर चिट्ठी पाई रमेश जाई गाँरे पहुँचिला। गाँरे पहुँची जहाँ सब शुणिला गाँ शिशुकु समस्ते जीवा बंद कर देथिले। रमेश मनस्थ कला, मुँ ही जीवी, कारण सहरर शिक्षा दीक्षा चालचलन ए भूतभूत विश्वास करिया पाई ताकु कहु नथिला। सेठी जे कौन अच्छी जानिबार आग्रह ताकु उस्कोउथिला बारंबार, किंतु बोउ को कहिले से छाड़बनी। तेणु बोउ को न कही ककई ओ केते जन को धरी बाहरी गला। से माने किंतु गाँ मुंड को केही गले नाही। गाँ मुंडरु ही ता गोड़ टाणीबा आरंभ करिदेले। ककई कहिले, अरे जमा जानी रे, तोर कौन होइगेले तो बोउ को की जवाब देबी। गाँर अन्य माने बहुत बारण करुथिले, बहुत बारण, बहुत कटकणा भितरे गोटे जिद तार, मु जीवि, तुम्हें एठी रुह, मु लंठनटा मत दि, मुसबि, मु देखी आसबि से कौन अच्छी। से जेमती पाद बढ़ई आगक पक्षर टाणीदे। गाँर जड़े पुरुखा जेजे बापा, हईरे तते बुढ़ी ठाकुराणी भरसा, एटा रखी था कही हाथ रू डौरी हाटे काढ़ी धरईदे। हाथ में कहले कि असुविधा हेले बड़ पार्टी करूँ, आमे सबू लाठी बाड़ी धरी एठी जगी रहिलु। रमेश टिके भाविला, जी पाद पकेबाकु डरुची से पुणी लाठी चलेइबो। तथापि तांको मान रखी डोंरियाटाकु हातरे गुड़ी गला। समस्तिनकु छाड़ी लंठनटा तेजी पाद आगकु बढ़ेला। समस्तंको कथा मन पड़ी जाउथाय बाटरे छातीटा धड़धड़ हेबाकु लागिला। पवनर सुओ आहुरी कानरे साई साई ही बाजुथिला। से ही पवन रे लंठन रती चहली ठीक रे रास्ता दिशुन थिला। पहुंची गला से घर पाखे। उठ एरुंडी बंधटा केड़ी जोरी झुंटिला। लंठन काचटा डो ए थर ता स्पंदनर गति बढ़ीगला। डहरी आटा को हाथ में अंडाला बेलू ना खूब जोरे निज जैकेटा को भिड़ी धरला। अरे पकेट्रे मोबाइलटा, स्विच मोबाइलटा आजिकल पर नुहे, तथापि पकेट्रु मोबाइलटा काढ़ी ता झापसा लुहरी गोटे गोटे पाद पकाइला। घर भितर छम 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 र शब्द आहुरी रो आहुरी गाढ़ हेबाकु लागुथिला। बोध हुए से हार्ट अटाक हो, किंतु पछ को फेर भी डरटी मनरे बांधी हो सारी। काले जदि कई थे पछ को बुलु बुलु हटात तापर आक्रमण हुए तो करती, तेणु से पछ को फेर भी चाहून थिला। किंतु एमती पाद बढ़े चलला गोटे परे गोटे, ता सहित छम छम आवाज भी बढ़ी चली। मोबाइल झापसा आलुरी कौन गोटे चकचक करुला। डाणी आखि परी ही देखा जाऊला। छाती को दंभ करी मोबाइल टाकु आउ टिके मारी देला। ओ नो, तापरे कौन हेला जानो, कांथर गोटे खोलरु
ଦୁଇଟା ପାଉଜି ବନ୍ଧାବନ୍ଦି ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓହଳିଥିଲେ। ପବନରେ ସିଏ ହଲି ହଲି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଛମ୍ 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 ଛମ୍। ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେ ଡରିଗଲ ନା? ଏହିପରି କାହାଣୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାହୋଲଟାକୁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏପରି ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେ କଥାଟାକୁ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି କରିଯିବ। ତାପରେ ରମେଶ କ'ଣ କଲା ଜାଣ? ସେ ପାଉଜିକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇଲା ଏବଂ ଆସିକି କହିଲା, ଆଉ କାଲିଠୁ ଡାହାଣି କିଛି କରିବନି ତୁମମାନଙ୍କର, ତୁମେ ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାର। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରମେଶ ଯାଇ ଦେଖେ ଡଙ୍ଗରିଆଟା କବାଟର କିଳିଣୀ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ଥିଲା ଡଙ୍ଗରିଆଟା ସେଠି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରମେଶ କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ରମେଶ ସେଠି ଡଙ୍ଗରିଆଟା ବାନ୍ଧିଦେଲାରୁ ଡାହାଣୀ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ଗାଁ ଲୋକ ନିଧଡ଼କ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସେପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ଆଜିର କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆର ସେସନରେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଧରି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ ଯେମିତି ନକର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।